यस, स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है आपको? यस ओके ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्क्रू जैक जो है, स्क्रू जैक क्या होता है एंड व्हाट इज द टॉर्क विच इज टू बी अप्लाइड टू रेज द लोड और टू लोअर द लोड, दिस वे हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। ठीक है, नाउ देयर इज अ व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक, तो लेट्स सी द स्क्रू जैक की एफिशिएंसी क्या होती है एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, सो एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक से ईटा, सो इट इज द रेशियो व्हेन द लोड इज रेज्ड, लोड अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, टू द लोड अप्लाइड लोड अप्लाइड विथ कंसिडरेशन ऑफ फ्रिक्शन। सो एज वी नो द लोड अप्लाइड इज डब्ल्यू 10 अल्फा प्लस 5, सो दिस इज द लोड एंड वी आर कंसिडरिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, and the load without friction, if we are not considering friction, will be W10 alpha. So the efficiency will become W10 alpha upon W10 alpha plus 5. So WW will cancel out and the efficiency will be 10 alpha upon 10 of alpha plus 5. Okay. So for this to be maximum, now here the variable is alpha, so d eta by d alpha should be equal to 0. So let's find out. So differentiation of this term with respect to alpha will be 10 of alpha plus 5 into d by d alpha of this. So it will be sec square alpha into 10 alpha plus 5 minus sec square alpha plus 5 into 10 alpha, yahi hoga, divided by 10 square alpha plus 5. So that is equal to 0. So that means sec square alpha into 10 of alpha plus 5 is equal to sec square alpha plus 5 into 10 alpha. The equation we can write this as a वन अपॉन कॉस स्क्वेयर अल्फा इंटू 10 की जगह रखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस 5 और कॉस ऑफ अल्फा प्लस 5, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस 5। देन फर्दर we can multiply this so we can multiply this so that we have
साइन अल्फा प्लस फाइव साइन कॉस में कॉस इज देयर, ठीक है वन इज कैंसल आउट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फाइव अंदर ले आया, राइट साइड इज देयर एंड कॉस अल्फा प्लस फाइव इज हियर एंड हियर आल्सो कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस अल्फा, सो वी कैन राइट दिस साइन अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस, सॉरी कॉस अल्फा नहीं हुआ, कॉस अल्फा प्लस फाइव और वी कैन राइट इट साइन अल्फा प्लस फाइव इंटू कॉस अल्फा प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फर्दर मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद टू, सो दिस बिकम्स साइन टू साइन अल्फा प्लस फाइव इंटू कॉस अल्फा प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू टू साइन alpha into cos alpha. So here this will become sine of kya ho jayega 2 alpha plus 2 phi and that is equal to sine of 2 alpha. Sin of 2 alpha. So sin of 2 alpha, sin of 2 alpha plus 2 phi, that is equal to sin of 2 alpha. So we can write it a two alpha plus phi is equal to pi by 2 minus 2 alpha or alpha something is wrong sorry huh? Here it will be pi minus 2 alpha so that alpha plus pi is equal to pi by 2 minus alpha or alpha 2 alpha is equal to pi by 2 minus pi that is alpha and alpha 2 alpha is equal to pi by 2 minus pi or alpha is equal to pi by 4 minus pi by 4 minus pi by 2. So this is the condition for maximum efficiency. Now let's find out maximum efficiency. So theta max. तो द कंडीशन इज कि अल्फा जो है हमारा इतना होना चाहिए तब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी और एक मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी तो दिस इज द कंडीशन अल्फा की हम ये वैल्यू वहां पुट कर देते हैं तो हियर यहां ठीक है हियर तो टेन अल्फा अपॉन टेन ऑफ अल्फा प्लस फाइव यहां पे हम पुट करते हैं सो टेन ऑफ अल्फा on 10 alpha plus 5 so that is equal to 10 alpha ki jagah hum put karenge pi by 4 minus pi by 2 aur yahan aa jayega 10 alpha ki jagah aa jayega pi by 4 minus pi by 2 plus pi फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं पाई बाय फोर माइनस फाइव बाय टू
डिवाइड बाय 10, यह हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 प्लस 5 है, तो इसकी जगह हम रख देंगे, इसकी जगह क्या हो जाएगा प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 pi by 4. Now it is minus pi by 2, where it is 5, so it will be plus pi by 2. Simplify karo isko, so we can write this as a sign, convert karo isko sine aur cos mein, so that you have, or you can convert this into 10 pi by 4, you know? Yes, 1045. So we can write this equation into sine or cos, or what we can do, this is, you know, this angle alpha minus beta, you can say the tan of a minus b. So tan a minus tan b upon 1 plus 1 minus tan a tan b, ye formula hoga na iska, so this we can write tan pi by 4 minus tan pi by 2 divided by 1 plus tan pi by 4 into 10 pi by 2, ये ऊपर वाली टर्म का, ठीक है, इसके नीचे नीचे वाली टर्म का, सो इट विल बी 10 pi by 4 प्लस 10 pi by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 pi by 4 into 10 pi by 2. Solve this, so this become 10 pi by 4 means 1045, so 1045 is 1, so we have 1 minus 10 pi by 2 or upon me 1 plus 10 pi by 2 divided by 1 plus 10 pi by 2 divided by 1 minus 10 pi by 2. Please check this, hai sahi likha hai ki nahi, maine koi mistake to nahi ki, check this, so 1 minus 10 pi by 2 pi by 2 upon 1 plus 10 pi by 2 all divided by 1 plus 10 pi by 2 or 1 minus 10 pi by 2, so we'll have 1 minus 10 pi by 2 pi square divided by 1 plus 10 pi by 2 ka square, theek hai. So this is our equation. Now up we can put it here, sin or cos mein isko convert kar lete hain 10 ko, so that equation hamari simplified ho jayega. Yahan par ho jayega 1 minus sin phi by 2 upon cos phi by 2. Pi by 2
स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगी टर्म कॉस फाइव बाई टू माइनस साइन फाइव बाई टू अपॉन में कॉस फाइव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाला कॉस फाइव बाई टू प्लस साइन फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस फाइव बाई टू इसका स्क्वायर। तो ये कॉस फाइव बाई टू और ये कॉस फाइव बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी इक्वेशन आएगी कॉस फाइव बाई टू माइनस साइन फाइव बाई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस फाइव बाई टू माइनस प्लस साइन फाइव बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। तो हियर कॉस फाइव बाई टू स्क्वायर है ना, तो वी कैन राइट दिस यस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस साइन स्क्वायर फाइव बाई टू माइनस टू साइन फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू ऊपर नीचे कॉस स्क्वेयर फाइव बाई टू प्लस साइन स्क्वेयर फाइव बाई टू प्लस ए प्लस बी का फॉर्म साइन फाइव बाई टू और कॉस फाइव बाई टू। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस साइन स्क्वायर फाइव बाई टू सो दिस बिकम्स वन। सिमिलरली नियर ये भी वन हो जाएगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी वन माइनस टू साइन फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टू साइन फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू। सो देन दिस इज टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो इट विल बी वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव। सो वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव सो दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज वन माइनस साइन फाइव वन वन प्लस साइन फाइव। ठीक है, और उसमें क्या था दिस इज द केस। ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। सो दिस इज टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा प्लस फाइव, देन डिफरेंशिएशन किया इसका सो दैट अल्फा इज इक्वल टू फाइव बाई फोर माइनस फाइव बाई टू आया। वो पुट करके हमने फाइनली वी हैव this expression. So this is the maximum efficiency. Now problem कर लेते हैं इसी के ऊपर। हमने कल लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम और किया था, इधर गया प्रॉब्लम। ओके मोशन
प्रॉब्लम हम करते हैं इसके। ये प्रॉब्लम था कि द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ स्क्वायर थ्रेडेड स्पिंडल ऑफ अ स्क्रू जैक इज दिस, द स्क्रू पिच इज दिस, सो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, सो फाइंड आउट। फोर्स रिक्वायर्ड, फटाफट बता दो, ये प्रॉब्लम ने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। What we need to have, outside diameter is this, so d out is equal to 40 mm tha, pitch of the thread is 10 mm tha, so d mean, so aisa we have this relation, d outer minus pitch by 2, so that will be the mean diameter that we can find out. So that is equal to 40 minus 10 by 2, that is 40 minus 5, that is 35, so it is 35 mm, okay. And then what we need to have the force required applied at the M of Tommy bar. So torque is equal to P into L, Tommy bar pe laga rahe, that is equal to W into 10 alpha plus 5 into r mean, ये हमारा relation था, so that is equal to PE, ये निकालना है, so that is equal to L की length है 1 meter, so 1000 mm, that is equal to W 20 kilo newton into 10 of alpha plus 5 निकालना है, so 10 of alpha plus 5 on jo hai so we can write this PE into L is equal to W R mean into, so kya likhenge, 10 alpha plus 5 ko 10 alpha plus 10 phi upon me 1 minus 10 alpha 10 phi, ye is tarah se bhi hum likh sakte hain, the W is there, R mean is there, L is there, alpha and beta, so 10 alpha 10 beta to PE into L 1000, that is equal to 20,000 into R mean is 35 into 10 alpha, now 10 alpha is pi, sorry, pitch P upon pi d mean, okay, so pitch is 10 mm upon pi into 35 plus 10 phi, so 10 phi is nothing but mu, and that mu is given as kitna diya hai bhai, 0.15, so it will be 0.15 divided by 1 minus 10 upon pi into 35 into 0.15, theek hai, so PE value bata do bhaiya, PE ki kitni aayegi, to calculate this value, calculate karke batao,
कितना आ रहा है? सर कर रहा हूँ कैलकुलेट। सर 171.66। यस 171, ठीक है, हमारे आ रहा 170.999, 138, तो ठीक है, इट विल बी, मतलब बात करें तो इट इज 171 न्यूटन, ये आ गया, कितना लोड लगेगा। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज एक स्क्रू एफिशिएंसी, ठीक, ओके, तो स्क्रू एफिशिएंसी इज मैक्सिमम चाहिए या सिर्फ एफिशिएंसी निकालना है? सिर्फ एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू, एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू इज 10 अल्फा। नंबर 10 अल्फा प्लस, तो इसलिए पाए तो ये रखा है, अल्फा निकालना पड़ेगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स पी बाय पाए इनटू डीएम, निकाल लेते हैं अल्फा कितना है। 1 डिग्री के आसपास आ रहा है, तुम 1 बता अल्फा कितना आया, सेपरेटली करना पड़ेगा। सर 5.19। जीरो नाइन जीरो नाइन पर टेन के लिए तो गड़बड़ कर ले, कितनी आ रही है? अपसेट कर ले, तो 10 इनवर्स है ना। हाँ, कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा मेरे इस मोबाइल में, साइंटिफिक कैलकुलेटर आई डोंट, लेट मी चेक। निकाल के बताओ भैया 10 इनवर्स, क्योंकि कैलकुलेटर में, मोबाइल कैलकुलेटर में नहीं लगता, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगा।
5.19 आ रहा है सर अल्फा। 5.19। यस सर। यस इट्स 5.196। ठीक है, सो अल्फा इज 5.196 डिग्री। ठीक है, एंड 5 इज 10 इनवर्स म्यू, तो इसका 10 इनवर्स ले लेते हैं। चलो ठीक है, 10 इनवर्स 8.53। पॉइंट 1 5 है ना, इट इज कमिंग आउट 8.530 ना। यस सर। 8.530। ठीक है, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 10 5.196 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 5.196 प्लस 8.530।13.726 नीचे वाला, दिस इज इक्वल टू 10 5.196 नीचे आ जाए 10 13.726 13.726 निकाल लेते हैं इसका, ले लो 10 नीचे आ जाएगा 0.2442 इसका डबल्स मल्टीप्लाई कर दो 10.1 16। सो दिस इज समिंग आउट 37.22 ना परसेंट में एफिशिएंसी। दिस इज ओके 37.22%। यस सर। नाउ यस सर, एफिशिएंसी है ना, यदि हम इसकी बात करें एफिशिएंसी की, कि दिस इज 10 अल्फा पर फाइव। ठीक है, तो यदि फाइव इक्वल टू अल्फा हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगी? ये फाइ एंगल ऑफ फ्रिक्शन या अल्फा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, अल्फा इक्वल टू फाइ, तो क्या होगा? ये कंडीशन आ जाएगी, यदि इसके बाद हम अल्फा बढ़ाते हैं तो लोड जो है वो खुद ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज 10 अल्फा अपॉन 10 ऑफ 2 अल्फा, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। इट मींस और दिस इज इक्वल टू 50% दी एफिशिएंसी की हम बात करें। सो द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक शुड नॉट बी मोर देन 50%, क्योंकि यदि इसकी एफिशिएंसी 50% से मोर हो गई तो we have to apply a force P to keep the load at its position। मतलब यूं कहें कि इसकी efficiency से ज्यादा हो गई 50% से स्क्रू जैक की, तो लोड नीचे आ जाएगा खुद ही। सो द मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब द एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक शुड बी लेस देन 50%। ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग कंडीशन।
और यदि इससे ज्यादा हो गई तो ओवरहॉलिंग की कंडीशन आ जाएगी, उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरहॉलिंग। ठीक है, सो दिस इज द स्क्रू जेट and its application, its efficiency and the maximum efficiency. ये था, यदि स्क्रू जैक में भी हमने जो स्पिंडल लिया है उसमें जो थ्रेड है उसका फॉर्म स्क्वेयर हो। वी थ्रेड आर ऑल्सो यूज, सो यदि हम वी थ्रेड यहां पर लेते हैं तो किसमें क्या चेंज आएगा, लेट्स एक थोड़ा सा बता देता हूँ दो मिनट का। तो वी स्क्वायर थ्रेड में क्या होता है कि द एक्सियल लोड एक्स परपेंडिकुलर टू द थ्रेड, व्हाइल इन द वी थ्रेड द एक्सियल लोड डज नॉट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द थ्रेड्स। ये दिस इज द वी थ्रेड, ये वी थ्रेड, दिस इज द एंगल ऑफ वी थ्रेड, सो टू बीटा इज द एंगल ऑफ वी थ्रेड। सो द नॉर्मल रिएक्शन आर एन between the thread and the screw should be such that its axial component is equal and opposite to the axial load m. यदि हम बात करें यहाँ पर कि this is the normal load, ये normal load इस पे लगेगा v thread पे इस तरह से, तो इसका axial component ये रहा, so this angle is beta, तब ये angle beta हो जाएगा and this is the root mg. ठीक है, so mg, so rn into cos beta is equal to mg, rn into cos beta ये mg के बराबर होगा। So that means Rn is equal to mg upon cos beta and the frictional force which acts tangential to the surface of the threads is the mu Rn. So if Rn is mg upon cos beta, then this frictional force will become mu times mg upon cos beta, mu times mg upon cos beta, or we can write this mu 1 into mg, okay, mu 1 into mg. So what is mu1? Mu1 is equal to mu upon cos beta. So that mu is replaced by mu1. ठीक है, V thread यदि यहाँ पर use करते हैं हम spindle में, तो यहाँ पर जो case होगा वो mu1 से replace हो जाएगा, जिसकी value होगी mu upon cos beta की, where beta is the half of the thread angle. ठीक है, बस इतना change आ जाएगा, बाकी relations वही रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज ओके, ये स्क्रू थ्रेड। नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस। अब कुछ प्रॉब्लम्स इस पे जो है वो आप कर लेना, मैं कुछ और प्रॉब्लम्स भी दूंगा और यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स फिर मुझे सॉल्व करके सबमिट कर देना।